इनका यूज़र नेम है जेसिका बी। ये पूछते हैं कि क्या आप अभी भी कोई ऐसे एलजीबीटी कम्युनिटी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने वाले हो इन फ्यूचर, कोई प्रोजेक्ट जो आने वाला हो जल्दी, जैसे आपने एडमिटेड पे काम किया है? हाँ, एक फिल्म लिखी है हमने जब कंट्री वॉज अंडर लॉकडाउन, तो एक फिल्म कंप्लीट की हमने, मतलब फिल्म प्रिंसिपली स्क्रीन प्ले इज डन। अच्छा, अब बस प्रोजेक्ट डिजाइनिंग पे है, वो स्टेज पे प्रोजेक्ट अगर होगा तो इस साल डेफिनेटली होगा, और वो इंक्लूजन पे ही है, बनेगा इमीडिएटली नहीं, थोड़ा टाइम लेके बनेगा। जेसिका जी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, लेकिन एलजीबीटी कम्युनिटी के ऊपर जल्दी एक नया प्रोजेक्ट लेकर जरूर आएंगे। इनका यूजर नेम है दामिनी द ड्यू, और ये पूछते हैं कि आपने धनंजय जी के साथ जब फिल्म बनाई तो आपने उनके साथ फिल्म बनाने का जो डिसीजन लिया वो कब और कैसे लिया? इसके लिए दामिनी जी, हमने एक 100 days ऑफ एडमिटेड के ऊपर एक प्रॉपर प्रोग्राम आया था, वो आप देख सकते हैं, उसका लिंक आई थिंक इसके डिस्क्रिप्शन वगैरह में आ जाएगा, ठीक है? तो वो आप जरूर देखें, उसमें आपके सवालों का जवाब पक्का मिलेगा और बड़े अच्छी गहराई डेप्थ के साथ मिलेगा पूरा। तो ये लिंक YouTube और हमारी वेबसाइट दोनों पे अवेलेबल है, मिलेगा बिल्कुल। तो सर, एडमिटेड से एक जुड़ा हुआ ऐसा पहलू भी है जो शायद दर्शक नहीं जानते, तो अगर हमें ये आपके सूत्रों से ही पता चला है, तो अगर आप उसके बारे में भी थोड़ा सा खुलासा करेंगे तो बहुत ही बढ़िया होगा। जर्नी जब आप किसी की डॉक्यूमेंट करने जाओ तो कोई लेंथ नहीं आप प्लान कर सकते कि कितनी लेंथ की जर्नी बनेगी। एडमिटेड का हमारे पास आर्काइव लेंथ जो है वो लगभग 8 घंटे से ज्यादा की है। अच्छा, हाँ, इतने इंटरव्यूज ले गए, इतने लोगों से मिले और फिर इंफॉर्मेशन वैलिडेट करना, तो बहुत ज्यादा मैसिव कंटेंट है उसका अवेलेबल। पर फिल्म को एक टाइम में आपको पूरा करना है कि ऑडियंस को ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी रात बिठा के रखोगे फिल्म देखने के लिए, है ना? और उसको स्टोरी को स्ट्रक्चर करना। पहला फेस्टिवल का कट बना 2 घंटे 16 मिनट का। अच्छा, फिर उसके बाद रिलीज करने पे जब फिल्म आई तो 2 घंटे से भी नीचे लाई गई ताकि ऑडियंस मतलब डटी रहे फिल्म देखने के लिए, वो कहीं ऐसा ना लगे उन्हें कि भाई अब बहुत लंबा हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर वो जो ट्रांजिशन थी वो 9 घंटे से वो लगभग अंडर 2 hours लाने की वो जर्नी थी, मतलब वो दैट इज द फैक्ट जो मैं ऑडियंस से शेयर करना चाहूँगा कि इतना डेटा था और यहाँ तक लाने में। नहीं सर, मैं तो ये भी कहूँगा कि इतना डेटा जो बेहतर किया गया है इसमें तो एडिटर के लिए भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एडिटर के तो बाल ही उतर गए, एडिटर के तो बाल उतर गए, सफेद हो गए। मतलब बहुत अच्छा काम किया कि एक्चुअली सिर्फ एडमिटेड ही नहीं सी, मतलब सारी फिल्मों में एडिटर्स बहुत अच्छा काम करते हैं। एडिटर हमारे हैं, मतलब ही नोज कि भाई कैसे बिल्ड करना है, वो एक शीट पूरी जाती है और उस हिसाब से काम बहुत अच्छा होता है। फाइनल एडिट होकर जो मूवी आती है वो इतनी बढ़िया आती है कि सब उसकी सराहना करते हैं। आज तक एडमिटेड को इतने सारे यूट्यूब पे प्यार मिला है, अगर आप कमेंट सेक्शन को चेक करेंगे, हैट्स ऑफ टू द एडिटर्स। और भी हम कुछ मज़ेदार लेके आए और वो है हमारा RFE ऑफिशियल मर्चेंडाइज, उसका लिंक जो है आई थिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और जहाँ पे भी ये वीडियो देखने के लिए आपके पास अवेलेबल होगी तो वो लिंक भी आपको साथ में मिलेगा। सबसे पहली अनाउंसमेंट तो ये है कि रोलिंग फ्रेम्स एंटरटेनमेंट का जितना भी कॉन्टेंट है, जितनी भी मूवीज़, पॉडकास्ट, टॉक शोज़, सारा कुछ अब आपके लिए अवेलेबल है देखने के लिए RollingFramesEntertainment.com पर, और ये बिल्कुल फ्री टू वॉच कंटेंट है। बहुत कुछ आने वाला है आरएफई की तरफ से। ऑल यू नीड टू डू इज टू स्टे ट्यून्ड इन एंड देखते रहो, जो भी अपडेट्स आती रहती हैं, जो भी अनाउंसमेंट होती रहती हैं, उनके लिए हमारे साथ जुड़े रहें। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग आस्क ओजस्वी।